स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल फिलिगो स्टूडियो में। फ्रेंड्स, हाजिर हूं मैं आज दोबारा से वीवो के वाई सीरीज के फोन को लेकर के, Y20 को, जिसकी करेंगे हम अनबॉक्सिंग, देखेंगे कैसा है ये फोन और बात करेंगे उसके फीचर्स के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल आप हमारा जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट शाहिद, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा वीवो की तरफ से Y20 फोन। बॉक्स के राइट साइड टॉप कॉर्नर पे हमें लिखा हुआ मिल जाता है 4GB रैम और 64GB रोम। बॉक्स के लेफ्ट साइड में Y20 मेंशन है और इसके राइट साइड में भी मेंशन है Y20। यहाँ बैक साइड में भी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि इसी फ़ोन से ही रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये फ़ोन दिखने में कैसा है। इसके टॉप कवर को हटाते हैं और हमें यहाँ पे एक और पैकेट देखने को मिल जाता है। देख लेते हैं पैकेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल, साथ में वारंटी कार्ड और मैनुअल्स, एक ट्रांसपेरेंट केस फ़ोन की सेफ्टी के लिए। ये रहा हमारा वो फ़ोन Vivo Y20। फ़िलहाल इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बाद में बात करेंगे। देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमें और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। 18 वाट वाला फास्ट चार्जर जो काफ़ी तेज़ी से फ़ोन को चार्ज करेगा। और हमें यहाँ देखने को मिल जाता है माइक्रो USB केबल, इसमें USB टाइप सी केबल नहीं आता है। इसके अलावा बॉक्स में कुछ भी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, फ़ोन को इसके पाउच से बाहर निकालते हैं और देख लेते हैं कि हमारा फ़ोन दिखने में कैसा है। तो फ्रेंड्स, ये रहा वो फ़ोन Vivo Y20। इसका डॉन वाइट कलर काफ़ी कूल लग रहा है, हालांकि यहाँ पे हल्का सा ब्लू इफेक्ट देखने को मिल रहा है, स्काई ब्लू इफेक्ट। फ़ोन के बैक साइड का जो लुक है ये अच्छा दिख रहा है। आप इसको बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ख़राब भी नहीं लग रहा है। ओवरऑल इसका बैक लुक ठीक ठाक है। फ़ोन का टॉप एरिया बिल्कुल प्लेन है। फ़ोन के लेफ्ट साइड में मिलता है ट्रिपल कार्ड स्लॉट, जहां पर आप दो सिम के साथ एक माइक्रो SD कार्ड का भी इस्तेमाल करके फ़ोन की मेमोरी को 256GB तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, बॉटम में मिल जाता है 3.5mm ऑडियो जैक, माइक्रोफोन, माइक्रो USB पोर्ट और स्पीकर। राइट साइड में हमें मिल जाता है वॉल्यूम रॉकर और ठीक उसके नीचे फिंगरप्रिंट स्कैनर। बैक साइड में इन लाइन ट्रिपल कैमरा के अलावा वीवो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, फ़ोन को फटाफट बूट कर लेते हैं। तब तक आप भी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फ़ोन हमारा बूट हो चुका है। दोस्तों, यहाँ हमें देखने को मिल जाती है 6.5 इंच का HD डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन है 1600x720 पिक्सल और ग्राफिक 269 पिक्सल पर इंच है। दोस्तों, आप इस क्लिप को देख करके स्क्रीन की क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बढ़ते हैं इसके अगले फीचर की तरफ। यहाँ फ्रंट में हमें मिल जाता है 8MP का कैमरा सेल्फी के लिए। बात करें अगर इसके रियर कैमरे की, तो यहाँ हमें मिल जाता है 13MP का मेन कैमरा, दूसरा है 2MP का मैक्रो लेंस और तीसरा भी हमें 2MP का मैक्रो लेंस ही मिलता है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैंने इसी कैमरे का इस्तेमाल करते हुए क्लिक की हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है।
दोस्तों बात करें अगर इसके इंटरनल पावरिंग की तो यहाँ हमें मिल जाता है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 460 ऑक्टाकोर प्रोसेसर और जीपीयू है कॉलकॉम एड्रीनो 610 का। दोस्तों ये फ़ोन रन होता है फन टच ओएस 10.5 पर जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 10 पे। इसके साथ ही दोस्तों हमें यह 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और फ़ोन का वेट है 192.3 ग्राम का। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी वीवो वाई 20 की जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये था वीवो वाई 20 की अनबॉक्सिंग। जैसा कि अभी आपने देखा मेरे हिसाब से तो फ़ोन नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ स्पेशल है नहीं। वैसे फ्रेंड्स आपकी क्या राय है इस फ़ोन के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। जो नए व्यूवर्स हैं वह चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें। बने रहें इसी तरह से हमारे साथ, देते रहें अपना ढेर सारा प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।